मेरा देश, हम क्या करेंगे, मेरा देश पर निबंध, यानी कि एसे या फिर अनुच्छेद भी हम इसे कह सकते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया पहले, वो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि उन्हें और भी वीडियो मिलती रहे। मेरा देश, मेरा प्यारा देश, संसार का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है, जो 133 करोड़ से भी अधिक संतानों को अपनी गोद में लिए हुए है। मुझे भारतीय होने पर अति गर्व है। यह दुनिया के सातवें सबसे बड़े देश के साथ साथ दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश भी है। यह तीन तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है। पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर। यहाँ पर अनेक धर्मों और जातियों के लोग रहते हैं। अलग-अलग धर्म और जातियाँ होने पर भी सभी एकता में रहते हैं और अपने अपने धर्म के मुताबिक त्योहार भी मनाते हैं। यहाँ पर बोली जाने वाली भाषाएं भी अनेक हैं। हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। हमारे देश में एक ऐसे विश्व धर्म को मान्यता प्राप्त है जिसके अनुसार सब मानव एक ही ईश्वर की संतान हैं। शरीरों के बाहरी रूप भिन्न भिन्न हैं, परंतु आत्मा सब में एक है। हमारा देश वह देश है जहाँ प्राचीन काल में दूध दही की नदियां बहती थी और विदेशी सोने की चिड़िया मानते थे। सोना आज भी कर्नाटक के कोलार क्षेत्र में मिलता है। हमारा देश अपनी कृषि और खेती के लिए प्रसिद्ध है, जो प्राचीन काल से ही इसकी रीढ़ है। भारत अपनी संस्कृति के कारण भी दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ कई पर्यटन स्थल हैं जो लोगों का मन मोह लेते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े मंदिर, मस्जिदें, चर्च, गुरुद्वारे, नदियाँ, सबसे ऊंचे पर्वत आदि, यानी के और भी बहुत कुछ है। 1947 से पहले हमारा देश गुलाम था। इसे ब्रिटिश शासन से आजाद कराने के लिए अनेक भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया था। हमारा देश सब देशों से मित्रता बनाए रखना चाहता है और यह आज भी विश्व गुरु है। हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए। धन्यवाद।